नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सुबह का समय देवी देवताओं का समय होता है। सुबह के समय हमारे नए जीवन की शुरुआत करने का होता है। सुबह के समय हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ने का समय होता है। दोस्तों, यह कहावत भी है और वैसे यह सत्य बात भी है कि सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर अपने इन प्रकार के चीजों को खा लेता है तो दोस्तों उसे कभी भी किसी प्रकार की गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता और उस व्यक्ति को हमेशा जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय इन प्रकार की चीजों को खा लेता है तो उन्हें भगवान जी कृष्ण पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, उनके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों सुबह बासी मुंह अगर आप तुलसी का एक पत्ता ग्रहण कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख तरन्य नहीं रहता, साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद मिलता है और विशेष तौर से दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर बरसता है। क्योंकि दोस्तों उसका कारण यह होता है, तुलसी के अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती है। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, सुबह उठे और मुंह कुल्ला आदि करने के बाद स्नान आदि कर लें और माता तुलसी के पास जाएं और माता तुलसी को जल अर्पित करें और मंत्र बोले, महाप्रसाद तरणी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी माँ नमामि नमः। इस मंत्र का दोस्तों आप जाप करें और मंत्र का जाप पूरा होने के बाद तुलसी माता जो पत्ता गिर जाता है सबसे पहले वही तो ग्रहण करें, और वहां पर आपको पत्ता नहीं प्राप्त होता है तो तुलसी का पत्ता तोड़कर आप प्रसाद स्वरूप उस पत्ते को ग्रहण कीजिए। दोस्तों गरीबी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा और आपके जीवन के अंदर से शत्रु दूर होगा, आपका आत्म कल्याण देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों अगर आप महादेव की भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ के माध्यम से आप अपने कुंडली चमकाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, रोजाना सुबह नियम बना ले भगवान भोलेनाथ का, आप अपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करें सही समय और सही वार के देखकर। उसके बाद शिवलिंग के समक्ष आप एक बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। दोस्तों जल की शुद्धता का ध्यान रखें, पहले भगवान भोलेनाथ की शुद्धता का ध्यान रखें, उसके बाद दोस्तों आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। उस जल को आप लेकर उस दो बूंद आप अपने पीने वाले पानी के अंदर मिलाकर आपको वह पीनी चाहिए। दोस्तों संसार की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, जो आप चाहेंगे वह आपके जीवन के अंदर होगा, जो आप बोलेंगे वह सत्य होगा, जो आप चाहेंगे सामने वाला आप वही करता है, बस आपको जाना नहीं क्योंकि ज्यादा की पावर आप झेल नहीं पाएंगे यह संसारिक जीवन के अंदर। बस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए जल की दो या चार बूंदे अपने पीने वाले पानी के अंदर डालकर आप पी ले, किसी प्रकार का कष्ट बीमारी रोग शत्रु अहंकार आपको ध्रस्त नहीं कर पाएगा, निश्चित तौर पर भोलेनाथ का आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह हनुमान जी भी कलयुग के चमत्कारी देवता है। हनुमान जी कभी भी ना तो किसी का बुरा चाहते हैं और ना ही याद के दिन भी हाजिर होते हैं, इस बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप अपने मन के अंदर हमेशा हनुमान जी की तस्वीर रखें, हनुमान जी को याद करें और निश्चित तौर पर आपको अपने आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों क्या करें, किसी भी मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर चले जाए, हनुमान जी को प्रसाद के अंदर आप गुड़ और चने का भोग लगाएं और वो भी भरपूर मात्रा के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, हनुमान जी की नियमित हनुमान जी की याद करते हैं और प्रसाद अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। रोज सुबह उठे उठते ही थोड़ा सा गुड़ और वह एक चने या दो चने आप जितना भी ग्रहण कर सकते हैं, उस प्रसाद को आपको सुबह उठने के बाद
स्नान करने के बाद भोजन से पहले आपको सबसे पहले हनुमान जी के उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों आप उस प्रसाद का पलिया देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपकी विजय होगी, कोई भी आपके कामों को रोक नहीं सकता, जो आप चाहेंगे वह होगा, क्योंकि हनुमान जी का प्रसाद नहीं साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी साक्षात आपके पास होंगे, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।